व्हाट्स अप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले सुब्रमण्यम स्वामी सर की थग लाइफ और काफी लोगों ने सजेस्ट करी थी, तो आज फाइनली हम रिएक्ट करने वाले हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। एक और चीज, अगर आप चाहते हैं हम इसका सेकंड पार्ट पे भी रिएक्ट करें तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को जितना हो सके कर दें शेयर। 1 2 3 लेट्स गो। सरकार के बारे और इतने क्रूर तरीके से सर, वो एक हिस्ट्री थी। हिस्ट्री जो लोग हिस्ट्री को याद नहीं रखते वो फिर दोबारा उसी हिस्ट्री का शिकार बनते हैं। कि ये जो समाज हमारी हिंदुओं की है, जब पारसीज आए थे के देश में, पर्शिया में इतनी मार काट हुई, वो एक ही देश में बचे हैं, वो है हिंदुस्तान। तो जब इसराइल बना तो पहला प्रस्ताव पास हुआ, धन्य हो भारत, एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारी शोषण नहीं हुई। हम हिंदू लोग इतना उदारवादी होने के बाद 3 मंदिर, वो भी राम कृष्णा और शिवा का, जिसको आमने सामने दिखता कि तोड़ा गया है और उसके जगह में मस्जिद बनाया गया। सऊदी अरेबिया में मंदिर नहीं बनाने देंगे आपको, दिवाली मनाने नहीं देंगे, सत्यनारायण पूजा घर में किया, इसीलिए उनको देश से बाहर निकाल दिया। ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं, क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देखकर मेरा खून खोल रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देशभक्ति का मतलब समझाने के लिए उन्होंने तुम्हारी तस्वीर छाप रखी है। आईटी मैथमेटिक्स प्रोफेसर मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ, एक मिशन के लिए आए हैं बस। बढ़िया तरीके से बनाई। डॉक्टर स्वामी के केस की वजह से ही 2G का घोटाला उजागर हुआ, 11 कंपनियों के 122 लाइसेंस कैंसिल हुए और ए राजा को जेल जाना पड़ा। दोस्तों, वर्तमान राजनीति में अगर मैं योगी जी के बाद किसी का फैन हूँ तो वो हूँ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का। हम सब जानते हैं डॉक्टर स्वामी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर स्वामी ने डॉक्टरेट की उपाधि ली। डॉक्टर स्वामी हार्वर्ड में प्रोफेसर भी रहे, उसके बाद IIT दिल्ली में उन्होंने पढ़ाया। और एक कमाल की बात यह भी है कि डॉक्टर स्वामी सन 74 से 99 तक 5 बार लगातार पार्लियामेंटेरियन चुने गए। इन्हीं की वजह से आज माँ बेटा सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं, शशि थरूर बेल पे बाहर है, बड़े बड़े घोटाले उन्होंने उजागर किए हैं। उनके सामने ओवैसी हो या कोई भी हो, किसी की चलती नहीं है। प्रकाश राज तक को उन्होंने धो डाला बुरी तरह। तो देखिए, मजेदार थग लाइफ है, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आएगा और स्माइल आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मूल संस्था हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही थी। 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पार्लियामेंट शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। A few moments later, you referred him. You allowed him. Subramanian Swami. After that, I will allow you also. Yeah, mine is a short one. Okay. Our good honourable member Ram Gopal Yadav said that we have borrowed from the British Constitution, but Britain doesn't have a constitution. How can we borrow from them? Ordered a letter written by Mr. Michel, stating that Miss Sonia Gandhi is the main. A few moments later, prohibit the state from financing a minority institution. Wait a minute, you don't know the constitution. Okay, you know only the Italian constitution. No. वो बोले इटालियन पे थी, पर हेडलाइट लगी। पूछना चाहते हैं। मेरा कहना ये है कि जब मथुरा के अंदर में मस्जिद और मंदिर एक साथ हो सकता है तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता? मंदिर और मस्जिद एक साथ क्यों नहीं हो सकता? भविष्य में मथुरा को भी हम मुक्त करेंगे। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम। और जो ये 5 बेंच की जो जजमेंट है वो कहती है कि अनिवार्य हिस्सा नहीं है, मस्जिद कहीं भी बन सकती है, तोड़ा भी जा सकता है, शिफ्ट भी किया जा सकता है, जैसे सऊदी अरेबिया में करते हैं, कतार में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं। आपके फादर आए हैं। कहते हैं विदेशियों से मेरा क्या संबंध है, कहते बाबर भी विदेशी था, उसी ने तो बाबर मस्जिद बनाया। तो मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, यहाँ भी पढ़ाया जा सकता है।
और सड़कों में पढ़ते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म में पढ़ सकते हैं। पर तो, स्वामी जी, तो इसीलिए आपको नमाज पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए, हम जगह दे देंगे। अरे अलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले कोई नहीं देता ताली, हाँ तेरे से बेटा वो नहीं पटने वाली। तो हिंदुस्तान की जनता इतनी मेच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए, इतनी मेच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता सुनिए, मुझे मुकम्मल, हिंदुस्तान की जनता इतनी मेच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने, ये मेच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। मैंने कहा बॉडी प्लीज मान जाओ, आपके पापा आए हैं। नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था, हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। हमने सामने एक बात कहना चाह रहा हूँ इस पे कि 1993 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि 15 अगस्त 1947 को जितने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये पार्लियामेंट में कानून बन चुका है, फिर भी स्वामी साहब जो है एमनीजिया का शिकार हो रहे हैं। उसको हम रद्द कर सकते हैं, हमारी जैसे मेजॉरिटी बन जाएगी। मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी बन जाएगी। तो नेक्स्ट कमेंट बताना। राष्ट्रवादी नहीं कहा, राष्ट्रवादी नहीं तो इनको मानना चाहिए, इनका पूर्वज हिंदू है, तब मैं मानूंगा ये राष्ट्रवादी। राहुल गांधी के स्टेटमेंट में देख रहा था, वो तो मानते हैं ये मोदी जी के कहने से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे खिलाफ 6 महीने में जांच कराइए, दोषी पाऊं तो मुझे जेल में डाल दीजिए। अब दोषी पाएंगे तो अवश्य हमारे कानून के अनुसार उनको जेल जाना होगा, ये कोई कृपा नहीं कर रहे हैं कि दोषी पाएंगे तो मुझे जेल भेज दीजिए। उनको ये अनपढ़ आदमी है, ये तो अनपढ़ आदमी है, कॉलेज में कभी पास नहीं हुआ है, इसीलिए उसको कानून कुछ पता नहीं है। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए हैं। तो क्या पहले है? आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो भाभी भी मैं कहता हूं बुद्धू है। अग्रेसिव हो गया है, अरे बुद्धू अग्रेसिव ही होता है, बुद्धू तो अग्रेसिव ही होता है, बैक फुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहे हैं, वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति में। पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को मिला। तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है, आपकी दृष्टिकोण आपके मेरे देखा ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। सोनिया गांधी जी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर लेते हैं? कौन से शब्द उपयोग किया जो आपको पसंद नहीं? मुझे सब पसंद है, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आप जो कहेंगे मुझे सब पसंद है। तो फिर कौन सी बात? अभी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राक्षस जी जी, ऐसा क्यों कहते हैं आपने? तो वो राक्षसी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। एफिडेविट दी थी कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी थी और इंग्लिश में डिग्री ली थी, चैन गॉट ए डिग्री इन इंग्लिश, ये सारा प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकता है। तो आपको लगता है आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं? हमने हम आप जो कहते हैं उसको हम लोग सब दिखाते हैं और दिखाते हैं। बिल्कुल, कोई जाकर सोनिया गांधी को पूछते हो बात कि आपने तो ऐसा लिखा? पूछेंगे हा? बात करें तो कोई नहीं करता है। आज दूसरा मैं बोलूं जी, 63 से 68 तक सोनिया गांधी इंग्लैंड में काम कर रही थी, वो पांचवी क्लास पास हुआ है फेल हुआ है मैं नहीं जानता, पर पांचवी क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ी, इटली में नौकरी करने के लिए आ गई थी 16 साल की उम्र जी। 63 से 68 में शादी हुई जी, नौकरी कर रही थी, कहाँ कर रही थी ये पूछने के लिए मुझे अधिकार नहीं? बिल्कुल है। तो कहाँ कर रही थी? नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आपको पता होगा क्योंकि आपसे ज्यादा रिसर्च कोई नहीं कर सकता। हाँ कर दिया मैंने जी, परंतु इस सभा में नहीं बताऊंगा, अकेला बताऊंगा। अच्छा ओके, सभा में। तीसरा जी, प्रियंका गांधी की शादी हुई इससे जी, उसका रिसेप्शन में 32 लोगों को ही बुलाया था जी, अध्यक्षता किसने की? सलमान तसीर आए हुए थे और फरीदा अताउला, मुनीर अताउला, ये कौन है? ये ISI के लोग हैं, ये क्यों अध्यक्षता की? तो दोस्तों ये वाला ये नहीं बता रहा मेरे को, जो लास्ट में इन्होंने बताया कि ISI के लोग आए हुए थे ये चीज़ तो भैया, लेकिन मैंने ये मतलब IIT में प्रोफेसर भी रहे हैं और बहुत ही इन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे लेवल पर करी हुई है,
और भैया एक वो ओवैसी के साथ जो मीटिंग में था वो बढ़िया था। हम नहीं बोल रहे तुम उनके बारे से। हाँ सीधा। और कहा कि जब हम मेजोरिटी में आएंगे तो हटा देंगे वो चीज भी। वो एक वो बढ़िया लगा था वो मीम, नॉक नॉक हाँ बड़ी आपके फादर आए फिर दोबारा बड़ी मान जाओ। वो वीडियो बहुत मस्त है अनुभव सिंह वैसे की सच्ची में आए हैं। वो वीडियो तो सच में फनी है, हमने देखी है ना, बहुत मजा आता है वीडियो देखने में भी। एंड आई एम श्योर आपको वीडियो देखी होगी, आपको पसंद आएगा। तो इसका सेकंड पार्ट भी है, आप लोग शेयर करें तो हम उस पर जरूर रिएक्ट करेंगे। बाकी आई होप आपने एंजॉय करोगी, तो कर दें शेयर लाइक। बाय, टेक केयर।